राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पेगासेस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ, ये पेगासेस कहीं और नहीं आपके दिमाग में है। देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहाँ देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफ़ी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है, और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफ़ी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया। गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।